हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है वीडियो। अरे कोई तार निकाल के दोबारा लगाओ। हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं इसी इंडियन जुगाड़ के बारे में। मतलब आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ख़राब हो जा रहा है या अटक जा रहा है किसी काम की वजह से, तो आप क्या करते हो, उसका प्लग निकालते हो, दोबारा लगा देते हो, सिंपल, और वो चीज़ काम करने लगती है। लेकिन आखिर उस प्लग को निकालने में लगाने में ऐसा क्या होता है कि चीज़ें जो ख़राब हो रखी है या जो अटक गई है वो दोबारा से काम करने लग जाती है। वेल, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उन सब के अंदर एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर एक बहुत ही छोटा सा स्पेसिफिक काम के लिए कोड भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा कार्ड रीडर है। अब मैंने इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाया और इसे जब मैं कंप्यूटर के अंदर लगाता हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर लगने के बाद इन दोनों के बीच केवल एक ही तरह का कम्युनिकेशन होता है, वो है करंट के फ्लो का। मतलब करंट उसमें से इसमें, इसमें से उसमें फ्लो होता है, सिंपल। इससे कौन बताता है, मतलब इस कार्ड रीडर को कौन बताएगा कि उससे जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है उसकी चीजें या तो कंप्यूटर में पहुंचानी है या फिर कंप्यूटर से कोई चीज इस मेमोरी कार्ड में पहुंचानी है, कैसे पता चलेगा उसे। यहीं पर काम आता है आपका फर्मवेयर, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है पहले से ही। फर्मवेयर लगभग हर जगह मौजूद है, आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर फर्मवेयर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मेरे एसी का रिमोट, इसके अंदर भी एक फर्मवेयर मौजूद है जो इसको कंट्रोल करता है। मतलब मेरा ये बटन दबाने पे क्या चीज़ होगी, वो इसका फर्मवेयर ही डिसाइड करता है। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लूटूथ का एक अलग चिप है, वाईफाई सिग्नल के लिए एक अलग चिप है, जो नेटवर्क रिसेप्शन होता है उसके लिए अलग चिप है। तो इन अलग अलग चिप्स के लिए भी अलग अलग कोड्स लिखे जाते हैं जो कि उसके फर्मवेयर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा अपडेट आता है फ़ोन का, तो उसमें हो सकता है कि वो उसके मॉडम को भी अपडेट कर दें। मतलब कि जो ब्लूटूथ का मॉडम इसमें लगा हुआ है उसके लिए भी एक अपडेट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं मॉडम फर्मवेयर अपडेट। तो मतलब बेसिकली सिंपल सी कुल मिलाकर बात ये है कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे एक स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है, और वो कोड या तो बहुत ही छोटा सा, मतलब सिर्फ एक काम करने के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इसमें जो कोडिंग करी गई है वो सिर्फ इतने के लिए करी गई है कि हाँ, इसमें जो मेमोरी कार्ड लगा है उसकी इन्फॉर्मेशन को इधर ट्रांसफर करो, या फिर वहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन को इसके मेमोरी कार्ड के अंदर ट्रांसफर करो। सिर्फ इतना सा कोड लिखा है इसमें। इस एसी के अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, कौन से बटन से क्या चीज़ होगी, ठीक है। इस मोबाइल फ़ोन में बहुत अलग अलग से कोड लिखे हुए हैं, तो इसीलिए फर्मवेयर हर जगह है। वो बहुत ही छोटा भी हो सकता है और बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। अब आते हैं हम इस बात पे कि किसी भी चीज़ का अगर हम प्लग ऑफ कर देते हैं, मतलब प्लग निकाल देते हैं फिर दोबारा लगा देते हैं, तो कोई भी अटकी हुई चीज़ काम कैसे करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में वाईफाई राउटर है और आपका इंटरनेट अचानक से चलते चलते बंद हो जाता है, तो आप उसकी कंप्लेन करते हो कि भैया मेरा इंटरनेट बंद हो गया। तो अगर आप एक लोकल प्रोवाइडर से बात कर रहे हो, तो सीधा कहता है कि भैया क्या करो, आप एक बार स्विच ऑफ करो, प्लग को निकालो और दोबारा लगा के स्विच ऑन कर दो। या फिर जब आप एक बड़ी कंपनी से सर्विस ले रहे होते, तो उसका भी यही मैसेज आता है कि भैया एक बार अपना राउटर जो है उसको बंद करो, उसका प्लग व्लग निकाल के दोबारा लगा के चालू करके देखो, ठीक होता है कि नहीं होता। तो ये कोई ऐसे ही थोड़ी बोल देता है, ये चीज़ एक्चुअली में काम करती है। और अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक सा चार्ट बताने वाला हूँ। मतलब सबसे सिंपल तरीके से जो समझाया जा सकता है वो यही है। अब देखो, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक फिजिकल चिप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम आईसी भी कह सकते हैं। तो अब इस आईसी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जिसके अंदर कोड लिखा गया है। दूसरा, एक मेमोरी पार्ट होता है जिसके अंदर वो कोड आकर टेम्परेरली, मतलब जिस काम के लिए, अब जैसे यहाँ पे तो बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ होगा, लेकिन अब हमें कराना है बहुत छोटा सा काम, तो सारा का सारा कोड एक साथ थोड़ी रन करेगा। अब उस कोड में से एक छोटा सा पार्ट निकल कर एक मेमोरी में, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद वो चीज़ आगे जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, समझे। मतलब जैसे इसके अंदर, इस एसी के रिमोट के अंदर बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग बटन्स लगे हैं। अब इस सारे कामों के लिए अलग अलग कोड भी लिखे होंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़े या घटे, सिर्फ इतना सा चाहता हूँ मैं। तो अब सिर्फ इतने से काम के लिए वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर, जितना कोड लिखा हुआ है, वो सारा का सारा इस मेमोरी में आके एग्जीक्यूट होने थोड़ी लगेगा। वो सिर्फ उसमें से उतना पार्ट लगाएगा कि भैया हाँ, ये बढ़ने वाला कोड है, टेम्परेचर बढ़ाने वाला या टेम्परेचर घटाने वाला, उस कोड को इस मेमोरी वाले सेक्शन के अंदर लेके आओ
और इस मेमोरी वाली सेक्शन से एग्जीक्यूट करवा दो। सिंपल। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारा ये मेमोरी पार्ट जो है, जो कि टेम्परली मेमोरी पार्ट बनता है, इसमें जब कोई भी चीज़ें या तो ओवरलोड हो जाती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा बटन दबाने लगते हैं इधर उधर, बहुत मतलब फास्ट हो जाते हैं ना कि हाँ जल्दी 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 हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे कोड्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और हमारी जो मेमोरी है यहाँ पर वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इतने से डिवाइसेज में बहुत सारी मेमोरी दे के फ़ायदा क्या, बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। तो इससे होता क्या है, जब भी हमारा कोड मेमोरी में या तो ओवरलोड हो जाता है या फिर किसी भी वजह से स्टक हो जाता है, तो हमारी चीज़ वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूट वाला पार्ट है वो तो मेमोरी करेगा ना, तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा तो हमारी चीज़ अटक गई। तो अब जब हम कभी भी प्लग को वापस निकालते हैं और दोबारा लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो मेमोरी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, सब कुछ गायब, जितना भी ओवरलोड कचड़ा या जो भी वहाँ पर पड़ा हुआ था सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जो पूरा डिवाइस है दोबारा से रिबूट हो जाता है। अब जैसे इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होता है, हम कभी कभी जैसे हमारे रिमोट ख़राब हो जाता है, हम क्या करते हैं, ये करते हैं, सेल निकालते हैं, दोबारा लगा देते हैं, तो इस केस में भी बिल्कुल वही चीज़ होती है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो तरीका है ये 100% काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो प्रॉब्लम आई है वो उसी मेमोरी पार्ट वाले में आई है, मतलब उसी आईसी में आई है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मेमोरी वाली प्रॉब्लम है जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, अगर वो प्रॉब्लम है तो 99% चांसेस है कि ऐसा करने पे आपकी चीज़ काम करने लग जाएगी। और आप इस तरीके को हर डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप इस कंप्यूटर में ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई चीज़ अटक गई तो आपने सीधा कंप्यूटर का बंद कर दिया, प्लग निकाल दिया और दोबारा लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो रीड और राइट दोनों करती है, वो टेम्परेरी मेमोरी नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो लगातार रीड होते रहते हैं और लगातार राइट होते रहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती है, तो इसीलिए अगर आप इसको डायरेक्ट बंद करते हो तो हो सकता है कि इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये काम केवल उन्हीं डिवाइसेज में करो जो कि नंबर वन एक तो बहुत ही लिमिटेड काम के लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट टीवी, आपके जो केबल वाला सिस्टम है मतलब सेट टॉप बॉक्स है, आपका जो इंटरनेट राउटर है, इसमें जो कोडिंग लिखी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक कामों के लिए लिखी होती है। इसीलिए अगर आप इन चीज़ों को डायरेक्ट, मतलब अगर इनमें कोई दिक्कत आ जाती है, आप इनका डायरेक्ट प्लग निकाल के लगा देते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें दिक्कत आ रही है, अगर इसी जो रीज़न मैंने बताया उसी की वजह से दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।